आरपारी पद्मश्री राधामोहन भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्था देहांत हो पूर्वतन सूचना कमिश्नर थे संभव नामक एक संगठन जरिया जैविक कृषि एक निरा आंदोलन आरंभ कर 2020 राधामोहन और झीव को मिले पद्मश्री नयागढ़ में खाली पड़ा जमीन जैविक चाष कर आवर्तन पूर्व से राज्य सूचना कमिश्नर भाव दायित्व तुलाई परलोक बहु विशिष्ट व्यक्ति शोक प्रकाश कर तबे संपर्कित अधिक सूचना सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र प्रदीप्त एक दुखर कथा हो वर्तमान राधामोहन आउ नाहांती कौन परिवार लोके कौन प्रतिक्रिया रखुचंती वास्तविक केते वर्ष बयस होता कौन के रोग से पीड़ित थे ना कौन पाई मृत्यु घटला निश्चित भाव चिन्मय आप जो क्या कहले अति दुखद खबर बर्तमान सामना को आसी संपूर्ण राज्य में गोटे प्रकार दुखर साया खेली जाइए आम कहीपर और जहाँ आप कहते हैं 78 वर्ष बयस होता जिते देहांत घटला और जमी आप कहते 2020 मसीह जो नयागढ़ जिलार जो मैंने दुब कहलब ना सेमती जमी में सी सबुजीमा सृष्टि कर सफल होते जैविक चाष बा जैविक कृषि दिगरे से गोटे उल्लेखनीय अवदान देते संपूर्ण राज्य को से झीव को मिलित भावे जो जो सम्मानस्पद पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित करा जायतला एवं ता सहित विशेष भाव से कहुपरब इकोनोमिक्स अर्थात अर्थनीति शास्त्र में सी पारंगमता हासिल करते हैं विभिन्न कॉलेज रे से अर्थनीति प्रोफेसर भावे कार्य तुलाई आसत आम जी कहीपर विशेष भाव में जहां कहती जैव कृषि विशेषज्ञ और अर्थनीति प्रोफेसर भाव से संपूर्ण राज्य में बेस जना गुणा केवल जे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करवेश सुरक्षापाई समाज सेवाई उत्कल सेवा सम्मान में राज्य सरकार पूर्व सम्मानित कर सारी यूनिएससी द्वारा परिवेश सुरक्षापाई ग्लोबल रोल फॉर ऑनर पुरस्कार सम्मानस्पद ग्लोबल रोल फॉर ऑनर पुरस्कार सम्मानित करोग बर्तमान समस्ते दुख प्रकाश कर मुख्यमंत्री कथा कह केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कथा कह राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल कथा कह अनेक राजनेता शिक्षाविद से दुख प्रकाश कर निश्चित भाव में प्रदीप्त व्यक्तित्व को हर बर्तमान समग्र राज्यवासी मर्माहत कारण पूरा जो कथा आपण कहते जे जो घास गोटे कले ना से जगार से जैविक पद्धति रे कृषि आरंभ करते जहाँ कि कम कथा नुहे बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त आपणकर तमाम सूचना पाई।